प्रशांत किशोर जी, सीएम का चेहरा कौन रहेगा आपके दल की तरफ से, क्या आप रहेंगे? उम्मीदवारों का चयन करेंगे, चुनाव होगा, जन सुराज जीत कर आएगा, तो जो चुन कर आएगा वो तय कर लेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हेलो दोस्त, नमस्ते, मैं मनोज आपका दोस्त, आपका यार। आज मैं दोस्त आपको बतलाने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ कि आपने इस वीडियो में देखे ही हैं कि इंटरव्यू के दौरान प्रशांत जी क्या बोल रहे हैं, और ढेर सारे ऐसे आपके मन में उत्पन्न होने वाले सवालों का जवाब जो बारीकी से प्रशांत जी दिए हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा बारीकी से देख लेते हैं तो शायद ही आपके मन में कोई क्वेश्चन या कोई डाउट फील होगा। तो जैसा दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल घंटी को दबा कर रखें ताकि इस टाइप के वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्त, देरी न करते हुए शुरू करते हैं। प्रशांत किशोर जी, सीएम का चेहरा कौन रहेगा आपके दल की तरफ से, क्या आप रहेंगे? जो पत्रकार हैं उनको इतनी जल्दी है, 2020 का जमाना है। दो बरस पहले जब मैंने चलना शुरू किया तो हमने तीन उद्देश्य बिल्कुल जनता के सामने रखे, पत्रकारों के माध्यम से भी। पहला उद्देश्य ये है कि बिहार के गांव गांव में जाकर लोगों को ये बताया जाए कि भाई तुमने विचारधारा के आधार पर वोट दिया, तुमने जाति धर्म के नाम पर वोट दिया, तुमने नेताओं का चेहरा देखकर वोट दिया, तुमने मंदिर मस्जिद नाली गली के लिए वोट दिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, बिजली पानी सड़क के लिए वोट दिया, लेकिन तुमने कभी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। तो जन सुराज का एकमात्र मैसेज, 2 साल से मैं एक ही बात तोते की तरह रट रहा हूँ, गांव गांव जाके लोगों को समझा रहा हूँ कि एक बार मेरी बात मानो, वोट चाहे जिसको भी दो, लेकिन एक संकल्प लो कि वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दोगे। दूसरा उद्देश्य मैंने ये बताया था, जिस दिन इतने लोग हो जाएं जो मिलकर दल बनाना चाहते हैं वो दल बनाएंगे, 2 तारीख को वो पड़ाव पूरा हो गया। तीसरा उद्देश्य हम लोगों ने ये बताया था कि सिर्फ समाज तैयार भी हो जाए, अच्छे लोग आ भी जाएं, दल बना भी लें, उससे बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार को सुधारने का एक प्रोग्राम होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, आखिर यहाँ शिक्षा सुधरेगी कैसे, आखिर पलायन रुकेगा कैसे, हर पंचायत को कैसे बेहतर बनाया जाएगा। तो ये प्लान हम लोग फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में जारी करेंगे। सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि पलायन रोक दिया जाएगा, ये डिटेल्ड पेपर आपको प्रेजेंट करेंगे बिहार और देश की जनता के सामने कि बिहार से पलायन कैसे रोका जाएगा। ये बताएंगे कि देश का सबसे बेहतर प्राइमरी इंटरमीडिएट एजुकेशन सिस्टम बिहार में कैसे 10 साल में बनाया जाएगा। ये बताएंगे कि बिहार के हर पंचायत, 8,500 यहाँ पंचायत है, अलग अलग हर पंचायत की योजना जारी करेंगे ताकि आप पटना में हो या गाँव में बिहार में आप बैठ के ये देख पाएंगे कि आपके पंचायत के लिए जन सुराज ने क्या योजना बनाई है। आपके पंचायत में 3 बातें, कैसे आपके बच्चों के लिए बेहतर पढ़ाई होगी, आपके पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, और आपके पंचायत में जो खेती होती है उसको खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती कैसे बनाया जाएगा। इसको बनाने में ही 2.5 साल लगाए हैं। ये समय इसलिए लग रहा है कि सिर्फ हम लोग पैदल नहीं चल रहे हैं, वहाँ की स्थिति को समझ रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं। मैं उसी गाँव में रहता हूँ, वहाँ का प्रोग्राम बनवाता हूँ, और जब वो बन जाता है तभी आगे बढ़ते हैं। तो ये तीसरा स्टेप होगा, एक बार लोग समझ गए, अच्छे लोग आकर दल बना लिया और दल के पास एक अच्छा कार्यक्रम हो, तीनों जब साथ में होगा उसके बाद लोग उम्मीदवारों का चयन करेंगे, चुनाव होगा, जन सुराज जीत कराएगा, तो जो चुन कराएगा वो तय कर लेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा।